मुरादाबाद में सदर कोतवाली इलाके के गुलजारीमल धर्मशाला रोड पर नगर निगम की टीम द्वारा बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने के ऐलान से गुस्साए व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, साथ ही मंडल आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। व्यापारी सुरक्षा फोरम का आरोप है कि अधिकारियों ने बुद्ध बाजार के आसपास के इलाकों और गुलजारीमल धर्मशाला रोड पर व्यापारियों को दुकानों का अतिक्रमण नहीं हटाने पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मंडल आयुक्त ने बुद्ध बाजार का सौंदर्यीकरण पूरा होने तक कहीं भी बुलडोजर नहीं चलाने की घोषणा की थी, लेकिन नगर निगम अधिकारियों की धमकी के बाद व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने निगम अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की मांग की है। वहीं मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कराने का आश्वासन दिया है। स्मार्ट सिटी योजना के जो समन्वय समिति बनाई थी उसका मैं संयोजक हूँ। आज किस मामले को लेकर आज हमने जो बुद्ध बाजार और जीएमडी रोड पर ये जो तोड़फोड़ का सिलसिला शुरू हुआ है, पहले बुद्ध बाजार का तो बहुत कुछ हो चुका है, वो आप सब लोगों की जानकारी में है, और उसके बाद जीएमडी रोड के लिए अभी दो दिन पहले नगर निगम के कुछ अधिकारी आकर कुछ धमका के गए हैं दुकानदारों को, व्यापारियों को धमका कर गए हैं कि साहब हम 27 तारीख तक आप अपने सब कुछ हटा लीजिए, तोड़ लीजिए, नहीं तो हम आकर बोल्डर चढ़ाएंगे। इस सिलसिले में आज आप मंडल आयुक्त महोदय से आज मिलने आए थे, पर मंडल आयुक्त महोदय से बात करने के बाद हमें पूरी संतुष्टि मिली है। मंडल आयुक्त महोदय ने हमें पूरा संतुष्ट किया है और आश्वासन दिया है कि बिना आपकी सहमति के, बिना आपकी मर्जी के, आपको सब लोग समझा के, पूरी बात समझा के उसके बाद ही कुछ किया जाएगा। उससे पहले कभी किसी का ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा जिससे आप लोग दुखी हों। सब लोग आप ही के लिए, अच्छाई के लिए किया जा रहा है और आप ही के द्वारा किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई अधिकारी इस तरह का कोई कार्यवाही नहीं करेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। किस तरह का बिहेवियर था जब वो नगर निगम से आए थे, आपने उसकी भी कंप्लेंट की? हाँ, हमने जो 2-3 अधिकारी आए थे जिन्होंने हमें धमकी के रूप में ये आकर कहा था कि आप 2 दिन तक जो है अपना सब कुछ तोड़ लीजिए, जो निशान बता दिया उन्होंने यहाँ तक तोड़ लीजिए, नहीं तो हम बुलडोजर चला देंगे। वो हमने उसकी शिकायत आज मंडल आयुक्त महोदय से की है। मंडल आयुक्त महोदय ने हमको आश्वस्त किया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल उसका आज जो भी अधिकारी ने ऐसा किया है हम उसकी भी खबर लेंगे और ऐसा कुछ भी आगे भी नहीं होगा। पूरा आप लोगों के सहयोग लेते हुए, आप लोगों की सहमति लेते हुए तभी हम कोई कार्य करेंगे, जो क्योंकि आप ही की भलाई के लिए किया जाना है। और उसके बाद फिर हम लोग सब संतुष्ट हुए और उसके लिए उन्होंने एक हमें और आश्वासन दिया कि उसका पहले लेआउट पूरा बुद्ध बाजार का भी और जीएमडी रोड का भी पूरा नक्शा लगाएंगे वो, जिससे सब व्यापारियों को ये समझ में आए कि क्या होना है, किस तरह से होना है। किस लोकेशन पर बताया गया कहां का लगाएंगे? ये एक तो लगाएंगे बुद्ध बाजार का इम्पीरियल के आसपास, जहाँ भी स्थान थोड़ा सा चौड़ा दिखाई देगा वहाँ पर लगाएंगे, और ऐसी जीएमडी रोड पर ताड़ीखाना चौराहा या जो भी स्थान थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जहाँ पर डिस्टर्बेंस भी ना हो, ट्रैफिक में भी कोई बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसी जगह पर वो लेआउट लगाया जाएगा।